तो यहाँ पे अपन बात करेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे। कहाँ पे? एक ऐसे डिवाइस में जो कि किससे बना हो, तो सेमी कंडक्टर मटेरियल से बना हो। समझ में आया? इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा पोर्शन है जहां पे हम किससे डील करेंगे, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। अब वो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हर जगह, बहुत सारी चीजें हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, बट उसमें से भी कौन सा स्पेसिफिक जगह होने वाला है, दैट इज दैट डिवाइसेस विच आर मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल। ठीक है, सेमी कंडक्टर क्या होता है एंड ऑल, वो सारी बातें अभी अपन करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स को डिफाइन करते पहले जरा सा, तो लिखो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स द स्टडी ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक्स द स्टडी ऑफ, द स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिहेवियर ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिवाइसेज विच आर मेड अप ऑफ, इन डिवाइसेज विच आर मेड अप ऑफ, या फिर मेड फ्रॉम, विच आर मेड फ्रॉम सेमी कंडक्टर मटेरियल, विच आर मेड फ्रॉम सेमी कंडक्टर मटेरियल। ठीक है, डन, ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहां पे एक टर्म और आ जाता है, क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। ठीक है, एक टर्म और आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसको बोलोगे, बोलो जरा, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस किसको बोलोगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसको बोलोगे? व्हाट आर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज विच आर मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल, सिंपल, विच आर मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल। मतलब एक ऐसे डिवाइस को अपन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलेंगे जो कि सेमी कंडक्टर मटेरियल से बना हो और हम उस पे, या फिर हमारा उस पे पूरा पूरा कंट्रोल हो। मतलब हम जब चाहे उसमें करंट ज्यादा कर सके, हम जब चाहे करंट कम कर सके, मतलब हमारे अकॉर्डिंग चले। ऐसा नहीं कि एक सेमी कंडक्टर मटेरियल है जिसमें हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना? तो एक सेमी कंडक्टर डिवाइस क्या हो, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी काइंड ऑफ ब्रांच है जहां पे हम इलेक्ट्रॉन की मोशन की स्टडी कर रहे हैं। कहाँ पे? सेमी कंडक्टर मटेरियल में। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज वो डिवाइसेज हैं जो कि किससे बने होंगे, सेमी कंडक्टर मटेरियल से। और इसके अलावा, बने होने के अलावा और क्या होना चाहिए, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। मतलब हमारे हिसाब से चीजें चलनी चाहिए, ऐसा ना हो कि, मतलब लाइक कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ और, हो कुछ और रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज क्लियर है, क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? ओके, तो अगर अपन पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर अपन पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पोर्शन है हम दो हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं। क्या? एक तो आपका होगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एक होगा आपका बेसिक
इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, क्या होने वाला है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और दूसरा जो आपका होने वाला है दैट इज व्हाट, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। जो दूसरा पोर्शन होने वाला है वो क्या होने वाला है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने दो पार्ट में, मतलब पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्लस देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेज अभी देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इस तरीके से दो हिस्सों में बांटेंगे। अब अभी यहां पे हमारी बात हुई इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज, ठीक है। एक बार फिर से सारी चीजें क्लियर करो। व्हाट आर द इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ ब्रांच, काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ ब्रांच, जहां पे हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कहां पे, सेमीकंडक्टर मटेरियल में। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आर दोज डिवाइसेज विच आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, क्लियर। अब अगले अगला क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे क्या। तो हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ये पढ़ने वाले हैं कि सेमी कंडक्टर डिवाइस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के कंस्ट्रक्शन के बारे में, उनको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। आई बात समझ में, जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें हम कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज हैं, चाहे मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज बोलूं चाहे मैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेज बोलूं, एक ही बात है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं या जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं उनके कंस्ट्रक्शन, उनके कंस्ट्रक्शन और उनके बिहेवियर, उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारा पहला पार्ट होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उनके कंस्ट्रक्शन और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, लाइक कि कैसे बनेगा, और बनेगा तो लाइक कि हम वहां पे, मतलब अगर इस इतने वोल्टेज पे कैसा काम करेगा, इसके लिए हाई वोल्टेज चाहिए, लो वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज ऑपरेटिंग है, करंट ऑपरेटिंग है, समझ में आ रही बात नहीं, मतलब किस में सेफ जोन में रहेगा, किस में डैमेज हो सकता है, ये जो सारी बातें हैं, मतलब ए टू जेड अबाउट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, वो हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, बोलो, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप किसी स्टूडेंट से पूछोगे ना कि सबसे, मतलब कि पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन सा पोर्शन में प्रॉब्लम आती है, तो पक्का बोलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन में। रीजन यही है, हम पढ़ना स्टार्ट कर देते बट हमें पता नहीं होता कि क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, बस चीजें हम रट रहे होते हैं। तो वो चीजें यहाँ पे अगर वैसे ही करोगे तो फिर क्या होगा, एक दिन याद रहेगा दूसरे दिन भूल जाओगे। तो उस चीज से बचने के लिए पहले आप समझने की कोशिश करो कि चल क्या रहा है, पढ़ क्या रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्लियर बात, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज के कंस्ट्रक्शन और बिहेवियर के बारे में एनालिसिस करेंगे, क्या इतनी बात हमें क्लियर है। फिर सर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या बचा, इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज को अपन यूज कैसे करेंगे, ये हम कहां पढ़ेंगे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आपने बनाया है जिसके बारे में आपने पूरी रिसर्च करी है
ऑब्वियस सी बात है, इनका क्या होगा, एप्लीकेशन कहीं ना कहीं यूज होगा। तो यूज कहाँ होगा, मतलब यूज कैसे होगा, या फिर कौन से सर्किट में यूज होगा, या फिर क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, उसके बारे में स्टडी करने को अपन क्या बोलते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो क्या हमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चारों चीजें क्लियर है क्या, एक बार बता दो यार, क्लियर है? ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें पहले क्या पढ़ना चाहिए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। तो पहले हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा क्लियर करेंगे, खत्म करेंगे, जिसमें हम हर एक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर अपन क्या स्टार्ट करेंगे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ताकि जब हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ें, जैसे अगर मैं बोलूं कि हाँ रेक्टिफायर बनाओ, तो रेक्टिफायर इज वॉट, लाइक ई डिवाइस आर एप्लीकेशन, दैट इज एप्लीकेशन, आर यू समझ में, रेक्टिफायर इज अ एप्लीकेशन, देन व्हाट इज द डिवाइस, डायोड, डायोड इज अ डिवाइस, रेक्टिफायर इज मेड अप ऑफ डायोड। अभी मैं एनालॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं इसी को, अब देखो, अब कहोगे यहां पे एक ब्रांच जो आपका और ऐड करा जा सकता है, देखो जरा, एक ब्रांच जो आपको ऐड किया जा सकता है कि जब हम, तो अगर हम बात करें ए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करी, और अगर हम बात करें एप्लीकेशन वाइज, अगर हम बात करें ये मान लो कंस्ट्रक्शन हो गया, और यहां पे बात करें एप्लीकेशन वाइज, तो एप्लीकेशन में भी ना, एप्लीकेशन में भी ना, एक होता है लो पावर एप्लीकेशन और एक होता है हाई पावर एप्लीकेशन। मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज को लाइक कि 5 वोल्ट या फिर 30 वोल्ट से कम यूज कर रहे हो, ठीक है, नॉर्मली 30 वोल्ट मैक्सिमम बता रहा हूं, 30 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, ठीक है, और करंट आप उसमें मिली एम्पियर में फ्लो करा रहे हो, तो इट विल बी कंसीडर्ड इन, या इट विल बी डील्ड इन व्हाट, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। बट अगर उसी डिवाइस को, उसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को जो कि सेमी कंडक्टर मटेरियल से बना हुआ है, उसको आप यूज करना चाहते हो कहां पे, हाई पावर पे यूज करना चाहते हो आप, हाई पावर पे, बेसिकली वो आप अपन कहां डील करेंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, कुछ समझ में आया? तो दैट पावर अप्लिक, दैट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वॉट, बोलो, एप्लीकेशन ऑफ वॉट, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज, दैट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वॉट, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स अपन कितने सब्जेक्ट यहां पे आ चुके हैं आपके सामने, 3 सब्जेक्ट, कौन कौन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। और कहीं ना कहीं आप इन तीनों में ही इक्वल आप प्रॉब्लम फेस करते हो अगर आपने ढंग से चीजों को नहीं किया है तो, ठीक है ना। इवन इन सब्जेक्ट की एक खास बात और है कि जब आप पढ़ोगे ना, तो उस समय मतलब अगर ढंग से समझाया जाएगा तो आपको चीजें समझ में भी आ जाएंगी, बट भूलता भी बहुत तेज है, ठीक है ना। तो उस बात को आप ध्यान रखोगे, दिमाग में रखोगे, ताकि आप टाइम टाइम पे क्या लेते रहो, रिविजन करते रहो, डन। तो ए क्या है, कंस्ट्रक्शन, और ए दोनों क्या है, एप्लीकेशन, लो पावर एप्लीकेशन, लो वोल्टेज लो करंट, वो क्या हो जाएगा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, हाई पावर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन, दैट इज व्हाट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिकली यहां पे 3 सब्जेक्ट हैं, और इसको हम इसी सीक्वेंस में पढ़ने भी वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्कस करूंगा, फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड लास्ट में आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, ठीक है। क्योंकि वही डायोड अगर अपन लो वोल्टेज पे डील कर रहे हैं तो वो आ जाएगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, बट वही डायोड जिसको अपन बोलेंगे पावर डायोड, जब उसे हाई वोल्टेज पे डील करेंगे तो आ जाएगा कहां पे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। ऑब्वियस सी बात है,
कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस होगा, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा वोल्टेज केवी में वोल्टेज को झेलना है, तो कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस तो रखना पड़ेगा, क्योंकि सेम डायोड को तो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो यहां पे थोड़ा सा वो भी देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन वाइज डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन। और अब यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर मैं यहां पे एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर दूं, मतलब समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन प्रॉपरली काम तभी करेंगे जब आप इन्हें प्रॉपरली कंट्रोल करोगे। ए एप्लीकेशन प्रॉपरली मतलब ए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज जिसके कंस्ट्रक्शन के बारे में आपने पढ़ा है, ए प्रॉपरली काम तभी करेंगे जब आप इसको प्रॉपरली क्या कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे। एंड जो देखा जाए तो यहां पे देखा जाए तो यहां पे अगर कंट्रोलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कंट्रोलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो कंट्रोलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या पढ़ना पड़ेगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जब आप पढ़ते हो कि एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, तो बेसिकली क्या होता है, दैट इज काइंड ऑफ स्विच, एंड स्विच इज यूज फॉर व्हाट, कंट्रोल ना, सिंपल यार। तो कहने का मतलब यहां पे दिस इज व्हाट, दिस इज कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के क्या, कंस्ट्रक्शन के बारे में, और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एट लो पावर, दैट इज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एट हाई पावर, दैट इज व्हाट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। बस यही है चारों इलेक्ट्रॉनिक्स, समझ में आया। तो दिस इज व्हाट बेसिकली, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लियर है क्या। तो अब ऑब्वियस ही बात है, अगर जब चीजों को आप समझ जाओगे कि हाँ हो क्या रहा है, कर क्यों रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपका इंटरेस्ट डेवलप होता जाएगा। ठीक है ना, कि अब हमें पता है कि क्या है, कहाँ है, कैसे है, क्यों है, वो चीजें हमें पता है। तो अब अपन अंदर चलेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें हमारे लिए सिंपल रहेंगी, साथ साथ में इंटरेस्टिंग भी रहेंगी। ठीक है, तो फिलहाल हम यहां पे किस से स्टार्ट लेने वाले हैं, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पोर्शन है, अगर मैं यहां पे देखूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पोर्शन है वो चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्योंकि एक पार्ट में बनाते थे तो बहुत लंबा सिलेबस हो जाना था, चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब वो चार पार्ट कौन कौन है, चारों आपके सामने, इसके अलावा तो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन नहीं है। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और यही चारों पोर्शन हैं जो बेसिकली हमारे एग्जाम में आते भी हैं। ठीक है ना, अगर हम एचपीजेई के बारे में बात करें तो चारों आता है, अगर एसएससीजेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसका वेटेज थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है एसएससीजेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एचपीजेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो याद रखना चारों इक्वली इंपॉर्टेंस है, चारों का इक्वली इंपॉर्टेंस है, कभी किसी से भी पूछ सकता है ज्यादा। ठीक है, और जब उन्हें पेपर को टफ बनाना होता है, लाइक कि स्टूडेंट ज्यादा अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी स्टूडेंट हो उसका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन वीक होता ही होता है, इसमें सबसे आसान है ये वाला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सबसे आसान है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन भी बहुत कम ही डालते हो, तो ज्यादातर क्वेश्चन किससे डालते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन यहां से डाल रहे होते हो। ठीक है, तो बाकी ये सारी चीजें भी इलेक्ट्रॉनिक से भी, अब जैसे 849 से 829 जो पेपर हुआ था, उठा के देखोगे 30 क्वेश्चन है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब बेसिक और एनालॉग से मिला करके। ठीक है, तो ये सारी बातें अपन दिमाग में रखेंगे, स्टार्ट करें। एक मिनट, ओके, तो यहां पे एक डेफिनेशन और लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स,
इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, अ सर्किट विच यूज एट लीस्ट, अ सर्किट विच यूज एट लीस्ट वन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज, वन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, अ सर्किट विच यूज एट लीस्ट वन, एट लीस्ट वन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक ऐसा सर्किट जिसमें एटलीस्ट, सॉरी हाँ, जिसमें एटलीस्ट क्या हो, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो, क्लियर बात। तो अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, अभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी हो सकता है और पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी हो सकता है, ये सुनो। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मतलब क्या हो जाएगा कि एक ऐसा सर्किट जिसमें अपन जो पावर है, जो उस डिवाइस को पावर हैंडल करना पड़ रहा है, दैट इज लो, और पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मतलब उस डिवाइस को, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जो पावर हैंडल करना पड़ रहा है, दैट इज हाई। कितनी बात क्लियर है हमें, ठीक है ना। तो जैसे कोई एग्जांपल बताओ, एनीवन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का कोई एग्जांपल बताओ यार, जितने भी एप्लीकेशन होंगे वो कहीं ना कहीं क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये सुनो, जितने भी एप्लीकेशन होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। लाइक कि रेक्टिफायर हो गया, रेक्टिफायर में हमने क्या लगाया है, डायोड, तो उसमें एक डिवाइस है ना जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एम्पलीफायर, एम्पलीफायर किससे बनता है, ट्रांजिस्टर या बीजेटी से, कुछ समझ में आया कि नहीं। जैसे ये क्या है, दैट इज व्हाट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। मतलब आपने क्या दिया, आपने इनपुट दिया, आपने इनपुट दिया, ठीक है, प्लस माइनस इनपुट दिया। अब इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देखा जाए तो क्या है, दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाट, रजिस्टर। एक होता है ना रजिस्टर में कॉन्सेप्ट होता है कलर कोडिंग का, जिसके थ्रू अगर मैं इस रजिस्टर को बोल दूं कि हाँ ये रेड है, ग्रीन है, मतलब ठीक है, ब्लैक है, ग्रीन, रेड, मतलब इस तरीके से, तो आप उसका क्या निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। वैसे तो पढ़ा देना था नेटवर्क में बट स्किप हो गया, बता दूंगा कभी, क्वेश्चंस के थ्रू ही बता दूंगा, 5 मिनट का टॉपिक है, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से कलर देख करके आप क्या बता सकते हो कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, क्योंकि इसके ऊपर लिख नहीं सकते ना, बहुत छोटा सा डिवाइस है, मतलब बहुत छोटा होता है। तो ये देखो क्या लगा हुआ है, डायो रजिस्टर, ये देखो ये क्या है, डायोड, ये क्या है, डायोड, ये क्या है, कैपेसिटर, और ये क्या दिख रहा है हमें, ट्रांजिस्टर, ये क्या है, ट्रांजिस्टर, ये भी क्या है, कैपेसिटर। तो ये जो पूरा सर्किट है ना आपका, ये जो पूरा सर्किट है, ये बेसिकली क्या है, ये क्या है, दैट इज एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर में ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, बट हाँ, ट्रांजिस्टर इज अ मेजर कंपोनेंट या मेजर डिवाइस, मेजर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बाकी फिल्टर विल्टर के लिए तो लगाना ही पड़ेगा, कैपेसिटर, डायोड, रजिस्टर, वो सारी चीजें, और भी सारी चीजें हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में पढ़ते हैं ना, एक्चुअली यही है कि ये कंपोनेंट्स कब लगेंगे, कहाँ लगेंगे, क्यों लगेंगे, यही है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, और कुछ नहीं है। व्हाट इज एम्पलीफायर, कि आपने, मैंने, मतलब कि एम्पलीफायर क्या होता है, किसी किसी वीक सिग्नल को, किसी वीक सिग्नल को क्या करना, स्ट्रॉन्ग कर देना, किसी वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग कर देना। मैंने माइक से बोला, मैंने बोला हेलो, अब वो बहुत तेजी से सुनाई दे रहा है, तो मैंने जो वॉइस रिलीज करी उसका सिग्नल क्या था, वीक, और इस सर्किट ने उस सिग्नल को क्या कर दिया, उसके स्ट्रेंथ को क्या कर दिया, हाई कर दिया। तो ये काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज कर रहे हैं। क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज अकेला कर रहा है, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज नहीं, एक्चुअली ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा बोलना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कर रहा है, और एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो कि किसको यूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स
डिवाइसेज को यूज कर रहा है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, तो एक ऐसा सर्किट जिसमें एट लीस्ट एक मेजर कंपोनेंट किसका हो, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज का। ये पूरा लेक्चर मेरा, आप पूरा लेक्चर मैं किस पे ले रहा हूं कि एक तरीके से आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है अगर आपको इंटरेस्टिंग लग गया तो मुझे समझाना बहुत आसान हो जाएगा, और अगर आपको बोरिंग लगने लगा तो मैं कितनी भी एफर्ट डाल लूं किसी टॉपिक के लिए नहीं समझ पाओगे। आ रही बात समझ में? तो चीजों का इंटरेस्टिंग लगना जरूरी है। क्लास जब तुम बीटेक कर रहे थे चीजें समझ में क्यों नहीं आई, क्योंकि ना आप इंटरेस्ट लेना चाहते थे ना इंटरेस्ट जगाना चाहता था। अभी यहां पे चीजें क्यों समझ में आ सकती हैं, क्योंकि आपने समझने के लिए पैसे दिए हैं और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो दोनों साइड से हो तो तभी चीजें अच्छी होंगी। क्लियर है बात? खैर, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, क्लियर बात? तो ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, तो लाइक एम्पलीफायर हो गया या फिर डायोड रेक्टिफायर हो गया, ये सब क्या है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट। डन यार, ओके, तो आगे बढ़े। अब लिखेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कैन प्रोसेस, एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कैन प्रोसेस, एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कैन प्रोसेस एनालॉग सिग्नल, विच कैन प्रोसेस एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल। अब यहां पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, एक ऐसा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, एक ऐसा सर्किट जिसमें हम डील करेंगे, मतलब हम जैसे कि बोल रहे हैं कि इस वीक सिग्नल को स्ट्रांग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, तो वो जो वीक सिग्नल होगा वो भी एनालॉग होना चाहिए, और जो स्ट्रांग सिग्नल है वो भी क्या होना चाहिए, एनालॉग होना चाहिए। अब क्वेश्चन यहां पे एक नया जनरेट होता है, दैट इज व्हाट, व्हाट इज एनालॉग सिग्नल, व्हाट इज एनालॉग सिग्नल, यस नो, ठीक है, व्हाट इज एनालॉग सिग्नल। तो सिंपल देखो यार, एनालॉग सिग्नल को अभी मैं, वैसे तो एनालॉग सिग्नल और डिजिटल, एनालॉग एंड डिजिटल इसके बारे में बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, बट यहां पे देखो एनालॉग सिग्नल इज नथिंग बट कंटिन्यूअस सिग्नल, एनालॉग सिग्नल इज नथिंग बट कंटिन्यूअस सिग्नल। समझ में आई नहीं? जैसे एग्जांपल्स के थ्रू आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। एक्चुअली जितने भी सिग्नल अभी तक आपने पढ़े हैं ना, वो सारे क्या हैं, एनालॉग। जैसे ए, ए क्या है, एनालॉग, कहीं ब्रेक हो रहा है क्या, नहीं, कंटिन्यूअस सिग्नल मिल रहा है। सर फिर डिस्क्रीट या डिजिटल सिस्टम क्या होता है, तो देखो यार डिस्क्रीट या डिजिटल बेसिकली क्या होता है, तो जो एक रेगुलर के बाद, रेगुलर इंटरवल के बाद आपको, मतलब लाइक कि हमेशा आपके पास डाटा ना रहे, ये क्या हो गया, डिस्क्रीट सिग्नल। मतलब t इक्वल टू 1 सेकेंड पे आपको मैग्नीट्यूड पता है, 2 सेकेंड पे पता है, 3 सेकेंड पे पता है, 4 सेकेंड पे पता है, बट 1.5 सेकेंड पे आपको नहीं पता कि सर्किट में मैग्नीट्यूड कितना है। बट यहां पे कोई ऐसा टाइम है क्या जिस पे हमें मैग्नीट्यूड नहीं पता है, हर एक टाइम पे क्या पता है, सिग्नल का मैग्नीट्यूड पता है। समझ में आया?
अभी मैं बेसिकली वैसे वर्बली बेसिकली डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. दैट इज वॉट दैट इज एनालॉग सिग्नल. दिस इज काइंड ऑफ डिजिटल बोल सकते हो या डिस्क्रीट बोल सकते हो. ठीक है, तो एनालॉग में क्या है, आपके पास हर एक मोमेंट का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. हर एक मोमेंट का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. अगर मैं बोलूं टी इक्वल टू वन पे इतना है, तो टी इक्वल टू पॉइंट सेवन पे भी तो आप बता ही सकते हो ना. टी इक्वल टू वन पे इतना है तो टी इक्वल टू पॉइंट सेवन पे भी तो आप बता ही सकते हो. बट अगर मैं बोलूं कि टी इक्वल टू वन पे इतना है, टी इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव पे बताओ, तो 0.5 पे डाटा है क्या आपके पास? नहीं है ना. यस नो. तो बेसिकली नॉर्मली फिर अपन क्या करते हैं, अपन फिर ऐसा करते हैं कि पहले का जो डाटा होता है उसी को कंसीडर कर लेते हैं. तो जो हमारा वेवफॉर्म होता है कुछ हमें ऐसा देखने को मिल जाता है. कुछ समझ में आ रहा है क्या? अरे बस उनमें तो कुछ ऐसा ऐसा भी देखा होगा आपने सिग्नल, ऐसे भी सिग्नल आपने देखे होंगे ना, कुछ इस तरीके से. तो ये डिजिटल में डील करते हैं. फिलहाल क्या हमें एनालॉग सिग्नल का मतलब समझ में आ गया? एनालॉग सिग्नल का मतलब सिंपल सा मतलब क्या है? कंटिन्यूअस सिग्नल. डन. तो इस एनालॉग सिग्नल को जो डील करता है उसी को क्या बोलते हैं? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स. डन. जैसे यहां पे जो वेवफॉर्म होगी, जो करंट होगा, वो क्या होगा, एनालॉग या डिजिटल? एनालॉग.